गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 वर्कशीट 2। फर्स्टली वी नो अबाउट प्रॉपर्टी। टू रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू एंड आर अपॉन एस आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ पी मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई क्यू। दो रैशनल नंबर P अपॉन क्यू एंड R अपॉन S को हम इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट सेम रहे। मींस P को अगर S से मल्टीप्लाई करें और R को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करें तो दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमारी इक्वल होगी, तभी वो दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट बोले जाएंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस सो दैट द रैशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है जो रैशनल नंबर हमें दिए जाएं वो इक्विवेलेंट होंगे। फर्स्ट पार्ट 4/9 एंड 44/99। फर्स्टली वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ रैशनल नंबर्स। ऊपर वाले को हम सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इन फर्स्ट केस 99 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 396। एंड 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आंसर इज 396। बोथ वैल्यूज आर इक्वल, देयरफोर 4/9 एंड 44/99 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट सेकेंड 7/-3 एंड 35/-15। अगेन वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट, -15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली 35 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी राइट 7/-15, हमें आंसर देगा -105। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, नेगेटिव को पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन। सिमिलरली -3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 3 जा 105, एंड नेगेटिव साइन को जब पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन साथ रहेगा। बोथ वैल्यूज आर अगेन इक्वल, देयरफोर 7/-3 एंड 35/-15 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। पार्ट 3 -3/5 एंड -12/20। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, -3 को 20 से करेंगे, आंसर इज -60। सिमिलरली 5 को -12 से करेंगे, अगेन आंसर इज -60। बोथ वैल्यूज आर इक्वल, देयरफोर -3/5 एंड -12/20 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस सो दैट द रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है दिए गए रैशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसके लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अगर दो रैशनल नंबर में क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल ना बने तो वो दोनों रैशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं होंगे। फर्स्ट पार्ट 4/9 एंड 16/27। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 4 को 27 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आंसर रहेगा। सिमिलरली 16 को जब 9 से प्रोडक्ट करेंगे, 16 9 जा 144। बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, देयरफोर 4/9 एंड 16/27 आर नॉट इक्विवेलेंट। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड पार्ट -100/3 एंड 300/9। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे -100 को 9 के साथ, आंसर रहेगा -900 एंड 300 को 3 के साथ, आंसर रहेगा +900। बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, दैट इज -900, दैट इज +900। देयरफोर -100/3 एंड 300/9 आर नॉट इक्विवेलेंट। दैट इज आवर आंसर। पार्ट 3 3/-17 एंड 8/-51। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 की -51 के साथ, आंसर रहेगा -153।
सिमिलरली माइनस 17 को 8 के साथ आंसर रहेगा माइनस 136. बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल दैट इज माइनस 153 एंड दैट इज माइनस 136. Therefore, 3 upon minus 17 and 8 upon minus 51 are not equivalent. Next, question number 3. Write 3 rational number equivalent to each of the following. हमें 3 rational number जो equivalent होंगे given rational number के find करने हैं. जब भी हमें equivalent rational number find करने हो given rational number के लिए, तब हम उसके numerator और denominator को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे. वो इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा. फर्स्ट रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. सेकंड रेशनल नंबर अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लें. सिमिलरली थर्ड रैशनल नंबर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें और थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर लें. अगर आप 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, -2, -3, -4 से भी मल्टीप्लाई करके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट पार्ट फर्स्ट. 4 upon 7 के लिए हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. फर्स्ट के लिए हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाएगा 8 upon 14. सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. हमारे पास आंसर बन जाएगा 12 upon 21. एंड थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 16 upon 28. देयरफॉर 8 upon 14, 12 upon 21 एंड 16 upon 28 आर इक्विवेलेंट टू 4 upon 7. दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2. 36 upon 108. अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म नहीं है, तब हम मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन का यूज करके भी 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं. वहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई किया था, सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी इंटीजर से, नॉन जीरो इंटीजर से अगर वो डिवाइड होते हैं तो डिवीजन मेथड के थ्रू भी हम 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम 36 upon 108 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं. न्यूमरेटर को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा 18 एंड डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा 54. दैट इज फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू द गिवन रैशनल नंबर 36 upon 108. सिमिलरली सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से दोनों डिवाइड होते हैं तो दोनों को 3 से डिवाइड करके भी फाइंड करेंगे. 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 बनेगा, 108 को 3 से डिवाइड करेंगे 36 बनेगा. सो सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाएगा 12 upon 36. सिमिलरली 36 एंड 108 दोनों ही 4 से डिवाइड होते हैं तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड करेंगे. हमारे पास थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा 9 upon 27. देयरफॉर 18 upon 54, 12 upon 36 एंड 9 upon 27 आर इक्विवेलेंट टू 36 upon 108. दैट इज -5 upon -7. यहां पर रैशनल नंबर रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म गिवन है. इट मींस हम यहां पर बाय मल्टीप्लिकेशन 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी की टेबल पर कट नहीं होते. सो फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे.
वो बन जाएगा माइनस टेन अपॉन माइनस फोर्टीन। सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, वो बन जाएगा हमारे पास माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन। थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, तो वो बन जाएगा माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस ट्वेंटी एट। देयरफोर माइनस टेन अपॉन माइनस फोर्टीन, माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन एंड माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस ट्वेंटी एट आर इक्विवेलेंट टू माइनस फाइव अपॉन माइनस सेवन। दैट इज आवर आंसर। पार्ट फोर, माइनस सेवेंटी टू अपॉन वन हंड्रेड एटी। यहाँ पर रेशनल नंबर हमें रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म नहीं गिवन है, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी ना किसी टेबल पर कट होते हैं, सेम टेबल पर कट होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। फर्स्टली वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई टू। माइनस सेवेंटी टू को डिवाइड करेंगे टू से, तो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस थर्टी सिक्स एंड वन एट्टी को टू से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा नाइन्टी। सो फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा हमारा माइनस थर्टी सिक्स अपॉन नाइन्टी। सिमिलरली सेकेंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे थ्री से, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही थ्री से कट होते हैं। वो बन जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटी। एंड थर्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे फोर से, वो बनेगा माइनस एटीन अपॉन फोर्टी फाइव। देयरफोर माइनस थर्टी सिक्स अपॉन नाइन्टी, माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटी एंड माइनस एटीन अपॉन फोर्टी फाइव आर इक्विवेलेंट टू माइनस सेवेंटी टू बाई वन एटी।